नमस्कार बिग ब्रेकिंग को स्वागत करय झीय अत्याचार करुले गोविंद निखोज ममिता मेहर बापा आणले सांघातिक अभियोग बापा कहते झीव को प्रलोभित करुले गोविंद निज जाल फसाइवाई करुले चक्रांत एपरिक घटना पक्षर मंत्री हाथ थे से अभोग आनी मंत्री बराबर कलेज को आसुले गोविंद भल संपर्क था तेणु घटना पक्षर मंत्री हाथ थी से अभोग आनी ममिता मेहर जी कि आज को एगार दिन हो निखोज अच्छा किंतु आज पर्यंत पुलिस हाथ खाली एवं जे सभापति थे कलेज गोविंद साहू तांकु जितेबाला मुख्य अभियुक्त कहुला गिरफ्त करागला किंतु गत काली राति रे पुलिस जो कहानी रचिला जे हॉस्पिटल नेबा पई जितेबाला तांकर स्वास्थ्यगत चिकित्सा स्वास्थ्यगत किसी जांच पई तांकु निया जाइथिला हॉस्पिटल नेबा पई जाइथिले सेतेबाला करंट चली गला एवं तापर से सेठू खसी पळाइछन्ते। एटी बड़ प्रश्न उठुछि जे गोविंद साहू एत बड़ हार्डकोर क्रिमिनाल नुहंती जितेबाला सीए खसी जाऊँचे पुलिस हार्डकोर क्रिमिनाल मानू केमती निज अख्तियार रखुची प्रश्न जे केमी जड़े साधारण लोकटे खसीगला ना खसई दिगला ये प्रश्न ये वर्तमान कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र घटन संपृक्ति कथा कह गोविंद साहू आ दुज घनिष्ठ बंधु अटंती तेज ममिता मेहर को बापा कौन प्रतिक्रिया रखी आसतु नजर पकड़ लॉकडाउन है घरे आसिक रही कही से गोविंद साहूर क्यारेक्टरटा खराब झील मान प्रति अन्या करु से ही कथा से स्टप रही जाइला झील जीवन कहूला तापर जिते बिल दस आगर गोविंद साहू निजे घर को आसला आम घर को झील को बहुत प्रलोभन देखला प्रलोभन से झीर बाहर जिते मत इनभाइट कर किसी हेल्प करमान किसी देवी से प्रोब्लम मत कहीं कहीं तो ये आज जानू जे किसी मिस करूला झील मान प्रति अन्या अत्याचार कर गोविंद साहू तापर से जो मंत्री आम होम मिनिस्टर ताकू किसी हेल्प करूले आओ जिते बिल मिसिंग कथा आम जानलु तापर केस टे कलु ता आगर दी दिन आम ताकू जा किसी कहलानी झील आसी न आसी ये सब कि झील न आसी कह आम को दी दिन ये करदेल तापर आम धीरे धीरे जानलु को झील मान पाखे खबर रखिल कि झील मैंने जहाँ कहले जे से बहुत संपर्क रखा आसुले मंत्री आसुले से गोविंद साहू को धरिकी से अति घनिष्ठ संपर्क था मंत्री सांगरे संपर्क कहा सहित प्रत्येक स्टूडेंट सांगरे संपर्क रखा से चेष्टा कर गोविंद साहू आ मंत्री मंत्री क्या कहते गृहमंत्री मंत्री हाथ निश्चय थपे कहीं से झील कहे आगर जे कॉलेज को मंत्री मंत्री होम मिनिस्टरटा होम मिनिस्टरटा आसती मासे दी मास थरे आसती गोविंद साहू सा बसा उठा था खाना पीना करती झील टॉर्चर करवाटा गोविंद साहूर पूरा झील आम झील मान पाखर जहाँ जाचु आम तो निजे देख नु कि झील आम कहू नाला किंतु गोविंद साहू जो फेरार अच्छे आम होम मिनिस्टर चापरे ही फेरार करा जाइछि गोविंद साहूटा रेप करने बहुत चिंतित थिला से अनेक झील को टॉर्चर करी अनेक झील खबर आसी किंतु आम सामने कहीं कही ना आम जहाँ शुणा को पाच एवं आम झील मिसिंग है आ जो झील मैंने खबर कर सुनाऊँ से सामना को आसबिन कहीं देखु गोटे एसपी सार सामना को आसी पारे नहीं आज गोटे मंत्री प्रेसर हो तो गोटे मंत्री आसूचे कॉलेज को जिते बिल गोटे छुआ मैंने सामना को आसी पारे आप निजे कहतु गोटे छुआटा आसी पार्बना को गोटे मंत्री लेवल कथा होते बेले
केबे जानिले निर्जातना दिया जाउची बोली एबे जो झोर मिसिंग हला तापर से तार स्टूडेंट माने हमकु किछि किछि कहउछन्ते कोन कहउछन्ते से माने अनेक निर्जातना दिया जाउची आमे सेटा कहि पारिबुनु को भलिया निर्जातना को भलिया दिया जाउची कोन बापा सामने रे कहिबो कि सेटा कहि पारुनी से माने निर्जातना हम गोविंद साहू दउतिले से कॉलेज रे बहुत ये करिछन्ते आगर झ मन को टॉर्चर करिछन्ते आउ सेतिरे होम मिनिस्टर अमर बहुत हेल्प करछन्ते ताको गोविंद साहू को पुलिस भाबुछन्ते कि पुलिस अपन मानकर जो झियो हो निखोज अछन्ते न्याय मिलिबो गोविंद साहू को गिरफ करिबो सब जिंसर समाधान ठीक से होबो एवं तना घना जो भले भाबरे पुलिस वर्तमान करूची धरि पारिबो अभियुक्त को भले लागुची अपन को देखंतु मिनो धरिबो बोली गुटे भरोसा थिला एबे ताकू फेरार कर दे सारे सेटा प्रकृत मंत्री ही चाप पड़ी नहले केबे जाई पारिबोनी गोविंद साहू गोटे टाउन उपर जन फेरार केमिति तो आप शुणुले जे ममिता मेहर बापा सांघातिक अभियोग आणुंट गृहर राष्ट्रमंत्री जे कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्र पूरा घटना रे जड़ित अछंती मंत्री चाप रही जोति पाई कि गोविंद साहू को वर्तमान फेरार कर दि जाएगी गोविंद साहू पुलिस कस्टडी रु कड़े गायब हो जाती कथा आसुची जदि गोविंद साहू गिरफ हुए गोविंद साहू को नहीं तदंत आग को बढ़े ताहले मंत्री ना सामना को आसी पारे जो कथा से कहते जे बारंबार ममिता मेहरा घरे एक जड़ाई एवं ममिता मेहरा मिसिंग होगापर जितेबले छात्र छात्री कथा कहतु एवं पिला माने जो माने कलिग्स रही जितेबले पर लोके फोन करते जहाँ खबर पाइले जे कॉलेज रे एभली काम चलुला जे झील मान कि भाव से असदाचरण करारीरिक संपर्क रखापी कलोभन देखा ये सबू घटना मंत्री जानी कारण मंत्री बारंबार आसुले कॉलेज को प्रति मसने मंत्री आसती गोविंद साहू का सह बसती उठती खाती आदि गोविंद साहू गिरफ होती मंत्री नाम सामना को आसब मंत्री मुखा खोली जीव जो कि वर्तमान गोविंद साहू को सेठू बा पुलिस कस्टडी रु वर्तमान फेरार कर दि जाएगी किंतु कथा आसुची पुलिस नुआ कहानी बनाऊँच जे फेरार हो जाए तबे केबे गोविंद साहू गिरफ हे एसपी ए घटन मुह खोलना या सहित तो गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्र से मध्य नैतिकता दृष्टि वर्तमान सामना को आसवा दरकार ए घटना नहीं प्रतिक्रिया रखिबार आवश्यकता रही तबे पूरा घटना उपरे नजर रखुछु जे केमती चली कारण आज को एगार दिन हो गलानी ममिता मेहरंकर कोनोसी पत्ता नहीं बापा कोहबरा कंठ रे कहउछंती जे झियो को केउठी मारकी फिंगी देथिबे कारण गत काली भाई जेतेबेले पुलिस स्टेशन जाइथिले तांको जो विजुअल देखा जाइथिला सीसीटीवी रो सेथिरे गोविंद साहू तांको झियो को नै जाउथिबार मध्य बा दुई जण सांगरे थिबार जो वीडियो से देखिंटी वर्तमान से गोटे कथा ही कहते जे झियो को सेमाने मारी फिंगी देछंती कारण तांकर असल मुखा झियो खोली देबो बिली गोविंद साहू झियो को गिरफ बा झियो को नै जाइछि एवं ताकु हत्या करिछि तबे वर्तमान आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होछंती आईएनजीबी विनीता दास जोड़ी होछंती तबे विनीता मैडम जानिबा पाई चाहिबो पूरा घटना को केमती आपण देखुछंती आज को एगार दिन हो गलानी झियोर पत्ता मिलूनी पुलिस हाथ खाली एवं जीए मुख्य अभियुक्त कथा कहा जाउछि पुलिस सीसीटीवी रे मध्य ये चित्र देखिला किंतु काही की वर्तमान सुधा तांकर बा पुलिस ए घटना को नै चुप अछि परवर्ती समय फेरी भी जे विनीता मैडम को पाखो को किंतु वर्तमान सुरेंद्र बारिक आम प्रतिनिधि आम सहित तो जोड़ी होती सुरेंद्र किसी अपडेट आसुची कि देखो चिन्मय सब तो बड़ कथा है जी सिंधेखेला थाना रे जो मामला रुजु होती 13 तारीख अभियुक्त गोविंद साहू विरुद्ध रे दफा 367 रे मामला रुजु होती सब तो बड़ कथा है जे ममिता मेहर 8 तारीख रु निखोज होते परिवार लोके स्थानीय पुलिस को खबर देते कि सब तो बड़ कथा है जे गोविंद साहू को
पुलिस केबे उठेछि तार सबुत बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करछि जेतु वर्तमान फेरार हेछि तो ताकु खसे दे जाइछि कि से जानी सुनी खसी चंती तार तो तदंत पर जना पड़ो सबुत बड़ कथा हला जे जेतु सुप्रीम कोर्ट गोटे निर्देश देछंती सबु थाना रे सीसीटीवी लागिबो तो सीसीटीवी रे गुमर खुलिबो जे प्रकृत रे पुलिस ताकु खसेछि कि खसेनी सेटा तो स्पष्ट परवर्ती पर्याय रे स्पष्ट हेबो किंतु 367 रे जो दफा लागिछि वर्तमान पुलिस आ गोटे दफा लागिबो जेतु थाना रु से फेरार हेछंती सेनेगिर पुलिस समेत करिबो किंतु सबुत बड़ कथा हला जे वर्तमान ममिता मेहर कौटी अच्छा ता उपरे नहीं सब समग्र राज्य उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करती है गोटे कथा है जे सामाजिक गणमाध्यम वर्तमान राज्य सरकार काठगड़ा अच्छा ये नहीं विभिन्न सामाजिक संगठन स्वर उत्तोलन कर तेरे जितेन्द्र जो कथा सामना को आसुच्छे वास्तविक भाव में गोटे झील हजार 11 दिन घटना को पूरला एपर्तंत पुलिस पता पाने और पुलिस सीसीटीवी विजुआल देखाऊँगी जे यहीिका सिचुएसन रही है आम गोविंद साहू एवं ममिता मेहरा मेहर ये दुई जन को गोविंद साहू ममिता मेहर को कार्रे बसई नौ चित्र भाई प्रतिक्रिया रखुं पुलिस देखा परे सत्वे कारण कथा आसुच्छी गोविंद साहूर जदि घटन संप्रति न था ताहले गोविंद साहू के भी फेरार हो न था आदि पूरा से चाही था पूरा घटनार तदंत हो से निर्दोष पूरा सहयोग कर तदंत प्रक्रिय किंतु खसी जबार कारण कौन सुरेन्द्र देखो चिन्मय सबुत बड़ कथा है जे सीडीआर जो आम कौ कल डिटेल रिपोर्ट तो पुलिस पाखे कल डिटेल रिपोर्ट हेल्ले अच्छी जेहेतु वर्तमान पुलिस जो तदंत कर टेक्नोलोजी हेल्ले सहायता निजाए तो ममिता मेहर जिते ममिता मेहर को फोन कर गोविंद केते समय रे फोन करिसेंती तार तथ्य हेल्ले पुलिस पाखे अच्छी और सबुत बड़ कथा है गोविंद साहू तांकर कॉल डिटेल रिपोर्ट जदि पुलिस निश्चित भाव तांकर हस्तगत हो कहा कहा सहित से कथबार्ता होते कौ बड़ बड़िया लोक सहित कथा होते पुलिस पाखे निश्चित भाव तार तथ्य अच्छी किंतु पुलिस स्थानीय पुलिस आम बलांगीर पुलिस कथा कहवा कलाहांडी पुलिस कथा कहवा से किसी तथ्य लुचे गोटे सामना को आसुच्छी कारण गोटे पुलिस हाजत रु गोविंद साहू फेरार होगा अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करी जेहेतु गत 13 तारीख रु एफआईआर रजिस्टर होती 17 तारीख से फेरार होती साधारणतः तदंत प्रक्रिया एमती हुए जितेबाला ममिता मेहर हजुचर कलिग्स जे थे से कौ मान सहित बेस मिसंती से सहित पुलिस कंट्राक्ट कैं सहित जो अभियुक्त ना वर्तमान कहा गोविंद साहू कथा कहा सब घटना नहीं कि प्रतिक्रिया कौन रही है जे पूर्व से भितर किसी शत्रुता थिला कि गोविंद साहू के धमक देते कि ये सब घटना उपरे पुलिस तदंत कर आवश्यकता थिला किंतु 11 दिन होगला ना पुलिस ममिता ममता को खोजी पारा ना एपटे तदंत प्रक्रिया को त्वरान्वित कर निश्चित भाव आम कहीपर ये जो घटना अच्छी ये निखोज मिस्ट्री वर्तमान सारा राज्यर नजर रोचे जेहेतु गोविंद साहू बड़बड़िया लोकंर आशीर्वाद थिला जोटा कि वर्तमान सोशल मीडिया रे भाइराल होची तो निश्चित भाव कौटू कौटी गोटे कथा जना स्पष्ट जना पड़ी जे स्थानीय पुलिस जो ढंग से तदंत करने कथा से ढंग से तदंत करूनी जेहेतु दफा 367 लगी गोविंद साहू ना तो कहीं पुलिस कोर्ट फरवार्ड कलानी पुलिस जदि चाहता रिमांड आनी से तदन करी पर जानता तो ये बड़ प्रश्न उठू जो टिटिलागार थाना रु जो फेरार होती वर्तमान काठगड़ा वर्तमान ओडिशा पुलिस भाव में सुरेन्द्र वर्तमान गोविंद साहू खसी जाए प्री प्लान कर खसा जा घटना ही पूरा स्पष्ट करुच्छी परवर्त समय सुरेन्द्र आप फेरबी कि वर्तमान आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि जे सहित आलोचना करवा खासको कौन घटना रही थी कारण जे प्रतिनिधि आम जोड़ी होती आम सहित पचार जे कुमार मणि दुर्गा जे घटना पूरा कौन कारण वर्तमान एसपी कौन कहते पुलिस कौन प्रतिक्रिया रखुची देखु पुलिस कहती कि तदंत चली इनक्वारी चली खाली कहते आई जेहेतु गोविंद साहू गत 2001 मसीह धर्मगढ़ जाऊ बेले गोटे एक्सीडेंट होता तार गोड़ मध्य भांगी वर्तमान ताकू 53 रु 52 रु 53 वर्ष होती तो से केमी टिटलागड़ पुलिस बाराक नहीं कि धाइब आउ गोटे कथा हूँ जो लाइट जाइला से समय कथा कहते तो लाइट मंत्री मत पावर जेहेतु शक्ति मंत्री मत गृहमंत्री विभाग में अच्छी तो से प्लान कर खसई देते सहीटा सामना को आसी चिन्मयी
तेबे कुमार मणि ए बाबद रे एसपी किबा पुलिस प्रशासन वर्तमान कोन प्रतिक्रिया रखु छी काडो केबे राज्यवासी कथा को स्वीकार करबेनी जे गतकाली तांको जेते बळे तांको स्वास्थ्य अवस्था जांच करबा पई तांको निया जाउथिला करंट पळेला तापर से फेरार हे गले एमिति अनेक कहानी बना जाउ छी वर्तमान एसपी कोन कहउछंती ए बाबद रे तो कोलांड रे कोनसी एसपी ना एसडीपीओ ना आईएसी केही मत रखु नाहंती चिनु अतबे कुमार मणि वर्तमान ये कथा मध्य सामना को आसु छी जे पुलिस स्टेशन रे सीसीटीवी जांच करबा बा एक कथा सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर रही छी जे सब पुलिस स्टेशन रे सीसीटीवी लगा जिवो एवं सीसीटीवी रे पूरा घटना सब कैद हबो किंतु सीसीटीवी अछि ना नाही एक कथा हमर इंक्वायरी कोले हे जणा पडो जेहेतु टिटलागढ़ रे पुलिस थाई कि पुलिस सामना रु से चंपट मारी छी तो सीसीटीवी जांच कोले हे जणा पडिबो जे केमिति गला कोन गला किए ताकू खसई देला ना कोन खसी की गला सेटा जणा पड़ी बस चनमे कुमार मणि पूरा घटना रु जणा पड़ु छी जे घटना को चपाईबा पाई गृह विभाग रु चापो पड़ु छी खोद मंत्री कर मध्य एथिरे संपृक्ति रही छी बोली तांको बापा मध्य अभिजोग आणु छथि परवर्ती समय रे फेरी भी कुमार मणि आपन को पाख को किंतु वर्तमान जसवंत डांगड़ा मध्य हम प्रतिनिधि जुड़ी होछथि जसवंत स्थानीय अंचल रे रिएक्शन कोन पूरा घटना को निश्चित भाव में चिन्मय देखो जिते बड़े घटना पूरा सारा ओडिशार चर्चार विषय पलटि अनेक जो राजनीतिक उन्नतिक लोकंर ए सन्देह करा जो सरकारी दल मंत्री मानकर सन्देह करा आज जहाँ जो ममिता माँ बापा एवं भाई गोटे चांचल्यकर बयान देखे जो ममिता मेहर जो बर्तमान निखोज अच्छा जो घटन मंत्री मैंने सामिल अच्छा बोल के जहाँ अभोग कर जो स्कूल कथ कौन अनैतिक कार्य कर जहाँ ममिता भाई और परिवारवर्ग अभोग कर गोटे कथा ममिता भाई अभोग करमती पूर्व बुलेटिन से कहते जो आम अर्गस मध्यम कहते डका जाइए पुलिस स्टेशन को एसडीपीओ डाकी से किसी भिजुआल देखते जहाँकि भवानीपाटना स्टेच्यू छक बोल के जहाँ मंतव्य कही आम से भवानीपाटनार स्टेच्यू छक पाखे अच्छु जो नंदा ड्रेसेसर कथा आसी देखिपे ये है से नंदा ड्रेसेस जहाँ को लेकिन बर्तमान जो ममिता भाई जी बंटी अच्छा से प्रतिक्रिय कहते नंदा ड्रेसेस भवानीपाटनार नंदा ड्रेसेसर भिजुआल देखा जावर्त समय जो आप देखिपे जे भवानीपाटना जो कलाहांडी पुलिस प्रशासन तरफ जो विभिन्न छक सीसीटीवी माने लगा जाए जो विभिन्न क्राइम को कंट्रोल करने विभिन्न अपराध को जमी कि भाव में नजर रखा जा पार जो सीसीटीवी माने केवल लगा जाए यही सीसीटीवी रु ही से माने फुटेज नहीं कि देखे बोल कि जहाँ जमापड़ी और जो स्टेच्यू छक ये है आप देखिपे मो पचपटे स्टेच्यू छक अच्छी ये से स्टेच्यू छक कथा ही बर्तमान से जो जो ममिता एवं जो गोविंद साहू एवं तांको संगरे आउ जो दुई जन थिले बोले कि जहाँ ममिता भाई से जहाँ कहते ये है भवानीपाटना जो नंदा ड्रेसेसर कथा जदि आम कह पाखर हुए से सीसीटीवी फुटेज नि जो प्रशासन तरफ जी अच्छा बलांगीर जिलार किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से आसी विभिन्न छक छक जो सीसीटीवी लगी जो पुलिस हेडक्वार्टर जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम जो अच्छी से जाकि जो सीसीटीवी फुटेज से जहाँ जमापड़ी जदियो माने पूरा सीसीटीवी फुटेज गुड़िक कलेक्ट करिछंती प्रति छकरु किंतु मेन कथा होची जे पुलिस स्टेशन रे सीसीटीवी अछि ना नाही कारण जे अभियुक्त से तो वर्तमान फरार नहीं निश्चित भाव जेहेतु जेहेतु माने कोर्ट के नियम अनुजाई समस्त थाना रे सीसीटीवी लगाइबा लगा जीव बोली के जमती माने न्यायालय कही हिसाब से विभिन्न थाना रे जो सीसीटीवी माने मध्य लगा जाए किंतु भवानीपाटन ये जो कलाहांडी जिल्लार कथा जो बंटी मेहर जी अच्छा बंटी मेहर को जो भिजुआल देखते सी हूँ यही जगार भिजुआल जहाँ देखते कहीं जो ममिता भाई जी बंटी किसी समय पूर्व कहते माणी जो स्टेच्यू छक नंदा ड्रेसेसर कथा कहते से यही छक जेहतु पुलिस प्रशासन तरफ सीसीटीवी लगी भिजुआल ही देखा मानते देखते बोल कि जहाँ जमापड़े और रहा कथा टिटलागढ़ थानार और सिंदेकेला थानार निहाती भाव में समस्त थाना सीसीटीवी लगवाई तो व्यवस्था कराई तेज ये जो सीसी जो सिंदेकेला थाना कि टिटलागढ़ थाना सीसीटीवी कैमेरा लगी जदि लगी सीसीटीवी लग मैंने लगला भी जो गोविंद साहू जहाँ ना अभियोग आसी से कमी फेरार है बर्तमान सीसीटीवी सिंपली कथा
যে যেতবেলে পুলিশ প্রশাসন উপরে বর্তমান অঙ্গুলি নির্দেশ হচ্ছে এবং গৃহর রাষ্ট্রমন্ত্রী কথা ক্যাপ্টেন দিব্যশঙ্কর মিশ্র তাঁকু মধ্যে রাজ্যবাসী প্রশ্ন করছেন এবং যে মমিতা মেহের অছন্তি তাঁক বাপা মধ্যে অভিযোগ তাঁক নারে আনুছেন সমস্তকর নৈতিকতা দৃষ্টির বর্তমান প্রতিক্রিয়া রাখিবার আবশ্যকতা অন্তত অছি না নাই না এসপি মুহ খোলুছেন না পুলিশ প্রশাসন বাবদরে কিছু কহুছি ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ଏଭଳିଆ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ନାରୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ନିଜେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା କଥା ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗାଁକୁ କାମର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ଆସି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଏହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲିକି ସରକାର କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କୌଣସି ପଦ ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ତଳପରୁ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଥିରେ ବିଜୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଯାହା ସଫେଇ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମମିତା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ କଥା ଆସୁଛି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମମିତା ମେହେର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ତତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନା ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ଯେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜକୁ ଝିଅ କହୁଥିଲେ ଯେ କଲେଜକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଆଉ ଝିଅ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପୁରା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶପନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଘଟଣା ଉପରେ ପୁରା ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯିଏକି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ପୁରା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି କହି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାକୁ ସେ ଖସି ଯାଇଛି ନା ତାକୁ ଖସାଯାଇଛି ଅନ୍ତତଃ ଏ ଦିଗରେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନେଉ ଏବଂ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିବା ସହିତ ଯିଏ ଘଟଣା ପାଇ ଦାୟୀ ତା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ସମସ୍ତ ରିଚି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।